नमस्कार, स्वागत है एक और सेशन में आप सबका। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एलिप्सिस की बात शुरू की थी और वो अधूरी रह गई थी। वादा हुआ था कि इसके शेष हिस्सों की चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो आइए इस सेशन में एलिप्सिस के बचे हुए तकनीकों की या तरीकों की बात हम लोग करते हैं। आपने उस सेशन को अगर ध्यान से देखा होगा तो बात आई थी कि अगर सब्जेक्ट आइडेंटिकल हो तो उनका एलिप्सिस हो जाता है, अगर वर्ब आइडेंटिकल हो तो उनका एलिप्सिस हो जाता है, अगर ऑक्सिलरीज आइडेंटिकल हो तो उनका एलिप्सिस हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपने उस सेशन को देख करके समझ करके और तब आप तैयार होंगे इस सेशन के लिए। एक बात और, आप जब चीज़ों को देखें कभी हो सकता है कुछ वॉइस क्वालिटी की समस्या हो या लिखने की समस्या हो, कभी कभी चीज़ें स्याही हल्की हो जाए, मार्कर ना चले, तो आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपके मन में क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले एलिप्सिस की बात हम लोग करते हैं। तो उसी क्रम में एलिप्सिस कहता है कि आप वर्ब के साथ साथ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का भी एलिप्सिस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कॉम्प्लीमेंट को समझ रहे होंगे। अगर किसी दोस्त को, किसी सखी को, किसी विद्यार्थी को, किसी बालक बालिका को कॉम्प्लीमेंट को लेकर कन्फ्यूजन है तो जरा पहले उसकी बात कर ली जाए। जब भी आप बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, बी वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इवन उसके जैसे अन्य शब्द, जैसे जो लिंक वर्ब के रूप में यूज होते हैं, जैसे गेट, फील, सीम, अपीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब ये क्रियाएं आती हैं तो इनके बाद आप जब किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब को रखते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वो हैं ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ऑब्जेक्ट की एक प्रजाति है कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम इज अ टीचर, तो यहाँ जो टीचर है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई फील सैड, यहाँ जो सैड है वो कॉम्प्लीमेंट है, उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, है वो ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट का एक नाम दे दिया गया। इट सीम्स ब्यूटिफुल, यहां जो ब्यूटिफुल है वो कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ आ गई? तो कॉम्प्लीमेंट और ऑक्सिलरी को या अन्य वर्ब के ग्रुप को, मैंने इसलिए यहां पे वर्ब लिखा है, ऑक्सिलरी ही नहीं अन्य वर्ब ग्रुप, जैसे मैंने कहा ना कि इज एम आर के बाद वहां सीम आ सकता है, अपीयर आ सकता है, कोई वर्ब समूह आ सकता है, आप उसका भी एलिप्सिस कर सकते हैं। बट वॉट इज द पंच, वॉट इज द point here, that whenever you are going to ellipsis anything, that must be identical. ये punch line है पिछले session से ही, कि जब तक वो identical नहीं है तब तक आप उनका ellipsis नहीं कर सकते, उनका omission नहीं कर सकते, उनको leave out नहीं कर सकते, उनको leave नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। Is that clear? तो अब देखो जरा, जैसे मैं कहूँ कि she was Miss Universe in 1992. एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, हर सिस्टर वॉज मिस यूनिवर्स इन 1994, 92 में वो हुई और 94 में 2 साल बाद उसकी बहन हुई। अब जरा ध्यान से देखें दोस्त, तो यहाँ पर ये वर्ब भी आइडेंटिकल है ना, और ये देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी आइडेंटिकल है। वो डेट नहीं है तो डेट को हटाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। ये जो मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स है, और ये जो वॉज वॉज है, ये आइडेंटिकल है ना, बोले। सो आप जब इनका कोऑर्डिनेशन करेंगे तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं कि शी वॉज मिस यूनिवर्स इन 1992 एंड
her sister in 1994. That's it. दोनों वाक्य जुड़ गए, कोऑर्डिनेशन हो गया. और ध्यान से देखिए, इस वाले सेंटेंस का वर्ब वाज और ये कॉम्प्लीमेंट मिस यूनिवर्स गायब हो गया, उसका एलिप्सिस हो गया. ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हुआ है, एलिप्सिस हुआ है, हुआ है ना. आप देखिएगा जरा, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं. और आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या अपने हाथ से अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है. तो मैं इसको साफ कर रहा हूं. देखें, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. हमारा आज का पहला फॉर्मूला या सूत्र क्या है कि वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को गायब करना. ये वर्ब अमूमन बी वर्ब होंगी, इन साथ में कुछ अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं, तो ये वर्ब का समूह हो सकता है. तो ये भी गायब होगा और ये भी गायब होगा. कब? जब ये आइडेंटिकल होंगे तब. तो यहां पर देखिए गायब हो गया है, मैंने एलिप्सिस कर दिया है आपके लिए. आप आगे ऐसे ही सेंटेंसेस में करिएगा. मिटाऊं? देखें जरा. इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद एक से मन न भरे, एक और लीजिए और देखिए कि कैसे एलिप्सिस आपको सहयोग करता है बड़े सेंटेंसेस को छोटे सेंटेंस बनाने में या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में. ये देखिएगा जरा. अब एक सेंटेंस आ जाए कि हैदर वॉज अ लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड. ठीक है, फिर विमल वॉज अ लेक्चरर एट कैम्ब्रिज. अब देखिए जरा, ये दो दोस्त हैं और दोनों लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं, एक ऑक्सफोर्ड में और एक कैम्ब्रिज में. हालांकि अब ये पुराने एग्जांपल हैं, अब कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर नहीं होते, अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है. अब वो चीज़ें हट गई कि पहले लेक्चरर होते थे, फिर सीनियर लेक्चरर होते थे, फिर रीडर होते थे, तब प्रोफेसर होते थे. तो ये पुराने एग्जांपल पुराना है, कोई बात नहीं, हमें अपने मुद्दे पर ध्यान देना है. ये नहीं कि आप सोच करें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लेक्चर, या हो सकता है कि अपने देश में ऐसा परिवर्तन आया कि सीधे, ये इंडिया की बात है, मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूँ, तब वहाँ के बारे में चेक करना पड़ेगा. अपने यहाँ आप सीधे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं. अब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की परंपरा क्या है, बनी हुई है कि हटी है, वी डोंट रियली डोंट नो. तो ये अलग बात है, मुद्दा है ही नहीं, हम लोग उस पर बात ही ना करें, मुद्दे पर बात करें कि कैसे एलिप्सिस किया जाएगा. देखो जरा, तो हैदर वॉज अ लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड, बिमल वॉज अ लेक्चर एट कैम्ब्रिज. फिर यहाँ पे देखिए, ये वर्ब आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, और ये भी एक जैसा है, बस अंतर क्या है, तो एक ऑक्सफोर्ड में है, एक कैम्ब्रिज में है. तो दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए एलिप्सिस हो जाएगा. आप कहोगे कि हैदर वॉज अ लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड एंड बिमल एट कैम्ब्रिज. देखें जरा, कहानी खत्म, पैसा हजम, जुड़ गया, दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बन गए, कोऑर्डिनेशन हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया और एलिप्सिस भी हो गया. आप यहां पे देखिए, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट गायब हो गया. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे चलूं. ठीक है ना, कि आप जो है आसानी से वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का एलिप्सिस कर सकते हैं. बताऊं, देखें जरा, इसके बाद और कहां कहां एलिप्सिस हो सकता है और कौन से तरीके हैं, तो देख लीजिए जरा. एलिप्सिस के तरीकों में से एक तरीका, हम जब इसका एलिप्सिस करते हैं तो कभी कभी वर्ब के साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी एलिप्सिस हो सकता है, वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब जब ये चीजें लिख रहा हूं तो मेरे जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उनसे चर्चाएं हुई हैं तो वो इन चीजों को समझे, लेकिन अब यहां पर तो पूरी कायनात अपनी है, आप सब हमारे अपने हैं. तो अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं
तो पहले बता दूं कि जो वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, उनके बाद कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही हेल्प्ड मी, आई टीच हर, दे बॉट अ कार। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट आ रही है। तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट आते हैं एक बार, तो ट्रांजिटिव को मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं, मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इंग्लिश में, जहाँ पर एक के बजाय दो दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, जैसे ही गेव मी अ पेन, सी बॉट मी अ टॉय, आई टॉट हिम इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और इंग्लिश, मी और टॉय, मी और पेन, अब दो दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक ही वर्ब के, तो वर्ब डाई ट्रांजिटिव कहलाती है। क्या कहलाती है? डाई ट्रांजिटिव। और यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मी आया है, हिम आया है, हर आया है, देम आया है, बॉयज आया है, गर्ल्स आया है, तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बात मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट अकेले ही आया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुन रहे हैं आप? अब देखिएगा जरा, तो आप वर्ब के साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी गायब कर सकते हैं अगर वो आइडेंटिकल हो। मैं फिर कह रहा हूं, कब? जब वो आइडेंटिकल हो। इसे देखिएगा कि महेश ओपन्स द लाइब्रेरी एट 9 o'clock। महेश अपनी लाइब्रेरी 9 बजे खोलता है। सुरेश ओपन्स द लाइब्रेरी एट 10 o'clock। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए। अब यहां पर देखिए ये वर्ब आइडेंटिकल है कि नहीं दोस्त, बोले आप लोग ध्यान से, वहां से आवाज तो नहीं आएगी, वहां से आप लोग साथ रहिएगा। ओपन्स देखो आइडेंटिकल है, और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है? आइडेंटिकल है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि जब वर्ब के ठीक बाद अकेला ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर देखिए द लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वर्ब देखिए ये भी आइडेंटिकल है, तो ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल, वर्ब भी आइडेंटिकल, एंड अकॉर्डिंग टू रूल दीज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो यू कैन ओमिट, यू कैन लीव, यू कैन क्या कहते हैं उसको, जो एलिप्सिस ना, हाँ वो दिमाग से निकल गया, एलिप्सिस द वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग एलिप्सिस पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ओमिशन हो सकता है वर्ब का भी और ऑब्जेक्ट का भी। सो द एलिप्सिस सेज देन द वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी लेफ्ट आउट, कैन बी ओमिटेड इफ दे आर आइडेंटिकल। सो कम एंड कोऑर्डिनेटेड, आइए हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। आपके सामने अभी दिख जाएगा कि कैसे एलिप्सिस होता है। आप कहोगे कि महेश ओपन्स द लाइब्रेरी एट 9 o'clock एंड के पहले कॉमा का प्रयोग ऑप्शनल है, आप कर भी सकते नहीं भी, ठीक है। एंड सुरेश एट 10 o'clock। आप देखें जरा, यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास होकर बेटा जी लोग, आप लोग इसका प्रयोग करिएगा। ये मत सोचिए कि इसमें अरे एक वर्ब तो आई ही नहीं, ये ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा शुद्ध और खूबसूरत वाक्य हैं कि महेश ओपन्स द लाइब्रेरी एट 9 o'clock एंड सुरेश एट 10 o'clock। फिर देखो इस सेंटेंस की वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गायब होते हैं ये ऐसे भी होंगे। इसी बात को थोड़ा सा हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं। मान लो आपने कहा कि महेश 9 बजे अपनी लाइब्रेरी खोलता है, सुरेश 10 बजे खोलता है, आपने कोऑर्डिनेशन किया,
एक सेंटेंस के वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इलिप्सिस कर दिया। ठीक है, ये भी तो हम कह सकते हैं कि महेश लाइब्रेरी खोलता है और सुरेश लाइब्रेरी को बंद करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे क्या है कि सुरेश, अब देखिए कि महेश खोलता है, मैं लिख के बताता हूं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, तो मैं इसको चेंज करता हूं। अभी हमने क्या कहा कि वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ओमिशन हो रहा है, इसे हम हटा रहे हैं, इसका एलिप्सिस कर रहे हैं। तो वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एलिप्सिस हो सकता है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अभी यहां पे देखो वर्ब भी आइडेंटिकल है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, लेकिन ऐसा हो कि वर्ब आइडेंटिकल ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो, तो केवल ऑब्जेक्ट का एलिप्सिस होगा। कैसे देखें जरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं मिटाऊं, ले लिया होगा आपने, मिटा रहा हूं मैं, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा आपने कॉम्प्लीमेंट का एलिप्सिस किया, आपने वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का किया, कभी कभी केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एलिप्सिस होता है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एलिप्सिस होता है। देखिए ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे, तो उसी सेंटेंस को मैं पलट के लिख रहा हूं। मान लीजिए आ जाए कि मोहन ओपन्स द लाइब्रेरी, मोहन लाइब्रेरी खोलता है, हो सकता है दोनों भाई हो, और सोहन क्लोजेज द लाइब्रेरी, ये देखिए, और सोहन लाइब्रेरी को बंद करता है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां वर्ब्स आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आइडेंटिकल है। तो आप जब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करोगे, इनको जोड़ेंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि एक का ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, उसका एलिप्सिस हो जाएगा। यही तो कला हम लोग सीख रहे हैं, बड़ी बात को छोटी कैसे करते हैं। कर दीजिए, तो आप कहोगे मोहन ओपन्स एंड सोहन क्लोजेस द लाइब्रेरी। लुक एट हियर, एलिप्सिस हुआ कि नहीं हुआ, किसका हुआ, इस वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसको देखिए गायब कर दिया गया। वर्ब दो बार क्यों आई, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी एक बार आई क्योंकि वो आइडेंटिकल है। तो आप जब कंजंक्शन में कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन करते समय आप कुछ शब्दों को छोड़ते हैं, उन्हें हटा देते हैं, ये कोऑर्डिनेशन का नियम है। उस हटाने की प्रक्रिया को ही एलिप्सिस कहा जाता है, हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी शुरुआती दौर है, मैं छोटे छोटे सेशन ही करना चाहता हूँ। एलिप्सिस का एक हिस्सा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, और साथ ही साथ आपके जहाँ पर भी ग्रामर के सवाल बनते हैं वहाँ एलिप्सिस के सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैं इसके साथ, ये अभी छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा वो ज़्यादा गंभीर और इंटरेस्टिंग और उपयोगी बात है कि कभी कभी हम पूरे प्रेडिकेट का ही एलिप्सिस कर देते हैं, पूरा प्रेडिकेट ही गायब हो जाता है। और वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम वहाँ पर कैसे पूरा प्रेडिकेट गायब करें, प्रेडिकेट आप समझ रहे हैं कि उसमें वर्ब भी गायब हो जाएगी, उसका उसमें चीज़ें गायब हो जाएंगी कंजंक्शन कंजक्ट करते समय। वो एक अलग हिस्सा है जहाँ पर हम लोग सो का प्रयोग करते हैं, औजुली का प्रयोग करते हैं, कभी कभी टू का प्रयोग करते हैं, कभी कभी नाइदर का प्रयोग करते हैं, कभी कभी नॉर का प्रयोग करते हैं। ये हमको लगता है कि 15-20 मिनट का एक अलग मुद्दा है जिस पर हम लोग को सेपरेट चर्चा करनी चाहिए, आप तक ये बात पहुँचे और लाभदायक आपके लिए हो। खिचड़ी नहीं पकानी है, तो जल्दी क्या है, आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो इससे जुड़ी हुई अभी एक हिस्सा, एलिप्सिस का एक हिस्सा बचा है जिसका आप तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन आज नहीं, इस सेशन में नहीं, किसी नेक्स्ट सेशन में, किसी और नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एलिप्सिस का अंतिम हिस्सा पढ़ेंगे, इस मुद्दे का अंत होगा। आशा करता हूं कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है, अगर ठीक से नहीं पहुंच रही है, कहीं कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, चाहे विजिबिलिटी से लेकर रिकॉर्डिंग तक और समझने और समझाने से लेकर लिखने लिखाने तक, तो आपकी राइट, ये आपका कर्तव्य है कि आप हमें बताएं, क्योंकि सुधार की संभावना सब में होती है।
तो मैं डे बाय डे सुधार करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एलिप्सिस के अंतिम हिस्से के साथ। थैंक यू।